यमुनानगर के गांव गधौला निवासी रविंद्र कुमार की जमीन के एक टुकड़े को लेकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि दो खेतों के बीच बनी डोल को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था, लेकिन वीरेंद्र को ये नहीं मालूम था कि उसकी हत्या के बाद ही इस विवाद पर पूर्ण विराम लगेगा। बताया जा रहा है कि रविवार की देर शाम भतीजा अनिल अपने दादा के साथ खेतों में काम कर रहा था। खेतों में पानी देने के लिए जब उन्होंने जमीन में पाइप डालना चाहा तो तभी साथ लगते खेत वालों ने खेत की डोल को खोदने से मना कर दिया। कहासुनी के बीच दूसरे पक्ष ने बुजुर्ग को धक्का दे दिया और जब अनिल बीच बचाव के लिए आया तो उसके सर पर दराटी से हमला कर दिया। अनिल के सर पर जब चोट लगी तो उसने अपने चाचा वीरेंद्र को फोन कर मामले की जानकारी दी। वीरेंद्र घर पर काम कर रहा था कि तभी वहां से भागता हुआ खेतों तक पहुंचा और उसने देखा कि भतीजा खून से लथपथ है। जैसे ही वीरेंद्र अनिल को घर ले जाने लगा तो इसी बीच उस पर भी लाठी डंडों से हमला कर दिया गया और उसे तब तक पीटते रहे जब तक उसने दम नहीं तोड़ा। आए वही पकड़ लिए हैं पप्पू बेटा, ये भी छोकरा छत्ता पड़ा, एक छोकरे का सिर पाड़ रखे दांत मार मार का, एक इतनी चोटा मार के डंडे आए, गर्दन काट दी मेरे आदमी की। पापा को धोखा दिया और मेरे दांती मारी यहाँ पे, फिर मैंने रोकनी कसी का एक और मार दी। कितने लोग थे? वो दो लोग थे पहले तो, फिर उन्होंने आगे जाके हमारे चाचे के ऊपर लाठी बरसाई, वो थे 7-8 जने। डोल के ऊपर फटो जी, इनकी जो रोड थी सर, जो रोड थी जी, या इसकी जो दूसरी पाल्टी थी इसको काट रही थी वा, तो हमारे जो पुप्पा जी थे मैं लेके आने, इसको क्यों काटा है, तो हमारी थारी है इसके ऊपर लखना है, हमको इसके ऊपर लखना, इसको काटा तो नशे में था, ये उन्हें पता उसको क्या नशा किया हुआ था जो काट रहा था उसको, वो बल्ला हम देख रही काटे देखा, कहा कानू क्यों काटे करा, तो हमारी अपनी काट रहा था, हमारी रोड काट रहा, उन्होंने उसका अपना दलिका दे दिया, दलिका देने में उसको नीचे गया, जो बंदा खड़ा नहीं इधर चोट वाला, वो चेरी काट रहा था इस खेत में से, वो उठ का भाग गया, उस पर को उसका दांती उसका दांतियाँ मार दी, गल कर दियो भी। तो इन्होंने फिर गाँव में फ़ोन करा, इसका चाचा दुकान करा बिंदर जो मारा गया, तो वहाँ से वो आया, वहाँ से किसी मोटरसाइकिल अपने अपने लड़के को लेकर आया छोटे है को, तो जी इन्हें गाँव में फ़ोन कर कहता, तो जो दूसरी पार्टी के बंदे भी थे मैं उनने आगे हेर लिया, वो बट्ठे के पास जो है मोटरसाइकिल बैठे भी था, उसकी नाड़ा वहाँ बिंडे मारे खींच खींच कर, बस वो वहीं ख़त्म कर दिया थोड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को लेकर सीधा थाना छप्पर पहुंचे, जहां शव को थाने के बाहर रखकर परिजनों ने नेशनल हाईवे चंडीगढ़ देहरादून मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने परिजनों को समझाया और उसके बाद हत्या की जगह पर मुआयना करने पहुंचे, साथ ही परिजनों को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। मैं दोनों पक्ष काम कर रहे थे तो वहाँ पे जो खेत की डोड़ है उसको लेकर के इनका विवाद हुआ था, और उस विवाद के दौरान जो आरोपी पक्ष है उसके द्वारा मुदई पक्ष को चोट मारी गई थी, उसके बाद वहाँ से आरोपी पक्ष के जो दोनों लोग थे वो चले गए और उन्होंने फ़ोन करके दूसरे पक्ष अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बुला लिया, जिसके बाद जो पीड़ित पक्ष है वो अपने जिनके घायल थे उनको लेकर के जा रहे थे, तो उसको दोबारा रास्ते में रोक करके उनके और चोटें मारेगी, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई। परिवार को ये आशंका थी कि भी पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी, एक दूसरी उनकी ये थी जल्द गिरफ्तारी की उनकी डिमांड थी, तो उसके संबंध में हमने उनसे दोनों से बात करी, परिवार के सदस्यों से, मैं मौका भी खुद करके आया हूँ, तो उनको हमने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग भी वारदात में शामिल हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।